Emulsifiers are the molecules with one water-loving hydrophilic and one oil-loving lipophilic, and that makes possible for water and oil to become finely dispersed in each other, creating a stable, homogeneous and smooth emulsion. तो इमल्सिफाइल बेसिकली ये भी फूड एडिटिव्स की कैटेगरी में है, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टू इमिसिबल लिक्विड्स जो कि आपस में गैर हल होती हैं उनको आपस में बाइंड रखते हैं। तो इसमें इसको अगर केमिकली देखा जाए तो इनका वन एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर फेज के साथ बाउंड होता है, और दूसरा ऑयल लविंग फेज होती है या लिपोफिलिक है जो कि लिपिड के साथ अटैच होता है, उनको आपस में बाइंड रखता है। On the basis of particle size, emulsions can be classified as microemulsions, which are defined as the clear thermodynamically stable dispersions. Basically, ये dispersions हैं, इनको हम solutions भी बोलते हैं क्योंकि solution जो होता है वो एक homogeneous mixture होता है। तो ये dispersions हैं कि दो immiscible जो liquids हैं, जो दो phases हैं, वो आपस में dispersed होती हैं। और thermodynamically कि उसको हम जब मूव करते हैं या उसमें अंदर जो मोशन होती है या हीट करते हैं तो वो स्टेबल होती है। थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल डिस्पर्शन ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड्स, दो इनविजिबल लिक्विड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स हूज साइज वेरीज इन द रेंज ऑफ 100 टू 1000 एंगस्ट्रॉम्स। देन मैक्रो इमल्शन, macroemulsions are mixtures of two immiscible liquids, one of them being dispersed in the form of fine droplets with diameter greater than 0.1 micrometer in an other liquid. Such system possesses a minimal stability which may be accentuated by surface active agents and finely divided solids. Food macro emulsions systems are turbid, milky and thermodynamically unstable even after the addition of emulsifiers. अब देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल साइज है वो बड़ा है, तो उनको आपस में उनकी बाइंडिंग जो है वो उसमें उसके दरमियान स्ट्रेंथ कम होती है, जिसकी वजह से ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल साइज बड़ा है। जैसे जैसे जो माइक्रो इमल्शन है उनमें मॉलिक्यूल साइज स्मॉल होगा तो उसकी वजह से वो आपस में बाउंड फॉर्म में रहते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इमल्शंस विद रिस्पेक्ट टू फेज सिस्टम, एन ऑयल इन वाटर इमल्शन व्हिच कंटेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल्स दैट आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। ये इसमें जो फर्स्ट वाली फेज होती है जैसे ऑयल इन वाटर है, तो वाटर जो है वो लार्ज क्वान्टिटी में होगा, ऑयल जो है वो स्मॉल क्वान्टिटी में है। उसमें मेंशन किया गया विच कंटेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल्स विच आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। यूजुअली द वाटर इन ऑयल विल नॉट मिक्स एंड इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट कीप्स द मिक्सचर स्टेबल एंड प्रिवेंट्स द ऑयल एंड वाटर फ्रॉम सेपरेटिंग इन टू टू फेजेस। तो आपको जनरली पता है कि ऑयल और वाटर दो केमिकल डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इनको जो है वो एक इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट वो उन दोनों को स्टेबल लगता है और उनको सेपरेट होने से बचाता है। तो हमारा मकसद भी क्या है कि एक यूनिफॉर्म या होमोजीनियस डिस्पर्शन क्रिएट करनी है, कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना है। हिस्ट्री, एग योक वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट इमल्सिफायर एवर यूज इन द फूड प्रोडक्शन बैक इन द अर्ली 19th century। तो एग योक के अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि इमल्सिफायर होती हैं, इमल्सिफायर का रोल प्ले करती हैं, तो इनको जो है वो 19th century में अगर देखें तो इसको एज इमल्सिफायर यूज किया जाता था, जैसे केक बनाना है, केक मिक्सेस हैं या और भी कोई इमल्शन हैं तो उसके अंदर इसको यूज किया जाता था। ड्यू टू द शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एग योक
the manufacturers switch to lecithin derived from soybean that has been an important food product since the 1920s. तो फिर क्या हुआ कि जो लेसिथिन है जिसको बेसिकली सोयाबीन से ड्राइव किया जाता है उसको इसके अल्टरनेट के तौर पर यूज़ किया जाने लगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीच फॉर इमल्सीफायर्स केम आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन सर्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल व्हिच इंक्लूड मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स वर इंट्रोड्यूस्ड. देयर यूज वॉज पेटेंटेड फॉर आइसक्रीम प्रोडक्शन इन 1936. तो लेसिथिन के बाद फिर कुछ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जिनके अंदर मोनो ड्राई ग्लिसराइड शामिल हैं उसको आइसक्रीम में यूज़ के लिए रिकमेंड किया गया और उसके लिए पेटेंट किया गया 1936 में. नॉवडेज फूड इमल्सीफायर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज मार्जरीन मायोनेज क्रीमी सॉसेस कैंडी पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड्स कन्फेक्शंस एंड अ रेंज ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स. तो आजकल जो है क्योंकि आप देखें कि मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑयल और जो है वो वाटर सॉल्युबल डिफरेंट फेजेस में वो एक जो न्यू प्रोडक्ट्स इवॉल्व होती हैं जो आजकल प्रोडक्ट्स हैं बेकिंग बेकरी की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं आप या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इसको एज इमल्सीफायर यूज़ किए जो इमल्सीफायर है उनको यूज़ किया जाता है फेस सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए. जैसे आप देखते हैं कि एक मिल्क मैन है वो दूध जब इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें जो फैट होती है उसके बड़े बड़े लंप्स बन जाते हैं गुठले बन जाते हैं. और आप एक देखें कि जो पास्टराइज मिल्क है या जो विच की प्रोसेस मिल्क है टेट्रा पैक में आ रहा है उसके अंदर वो लंप्स नहीं बनते हैं ना कि उससे ज़्यादा माइक्रो डिस्टेंस से आ रहा हो. तो ये जो है इमल्सीफायर्स के इसको फेस को सेपरेट में तक जाते हैं जो कुछ स्टेबलाइजर होते हैं या इमल्सीफायर्स वो इनको फेस को टू डिफरेंट फेज को स्टेबल रखते हैं. फिर फंक्शन ऑफ इमल्सीफायर्स टू असिस्ट इन द फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन एट द ऑयल वाटर इंटरफेस. जहाँ पे ऑयल वाटर जो उनके इंटरफेस है जहाँ पे वो कंबाइन मिल रही होती हैं तो वहाँ पे ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि ये एक तो इमल्शंस बन जाती हैं उससे और दूसरा वो उस इमल्शन के बाद में स्टेबल भी रहती है स्टेबलाइजेशन हो जाती है. टू आल्टर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ अदर फूड कंपोनेंट्स एंड टू मॉडिफाई द फैट क्रिस्टलाइजेशन. इसके अलावा फूड की डिफरेंट जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं और जो फैट क्रिस्टलाइजेशन है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है. टू मेक अ फूड अपीलिंग फॉर एग्जाम्पल mayonnaise without the emulsifier shows how unappealing it would be if the oil and water separated before it was used. आप देखें कि जो mayonnaise है कुछ जो है हमारे traditional भी यहाँ पे जो shawarma वाले या burger वाले बनाते हैं वो oil के अंदर eggs को और इस किस्म की mostly oil और eggs को mix करके वो बनाते हैं. लेकिन आप देखेंगे जो हमारे पास commercialized product आ रही है mayonnaise है या इसकी है इसमें आप देखेंगे वो स्मूथ पेस्ट बनी होती है लेकिन उसके अंदर भी ऑयल वगैरह होता है प्रेजेंट होता है और साथ में लिक्विड भी है. तो इमल्सीफायर्स जो है वो मायोनेज को आपस में स्टेबलाइज एक बाउंड फॉर्म रखती है जो कि अगर आप देखेंगे अगर सिंपल सेपरेट हो ऑयल और वाटर तो वो इसको एक अनअपीलिंग जो है वो उसमें प्रेजेंटेशन रहेगी. फिर उसके अलावा टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड टेक्स्चर ऑफ मैनी फूड प्रोडक्ट्स. तो आप देखेंगे जब इमल्सीफायर हो जाती हैं उसके स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है उसे टेक्सचर भी बार बार चेंज होता है क्योंकि उसको बाद में होमोजनाइजेशन और ब्लेंडिंग करनी होती है जिसकी वजह से ये इमल्सीफायर्स को एक यूनिफॉर्म पेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. द प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स एंड आल्सो टू हेल्प मेंटेन क्वालिटी एंड फ्रेशनेस. फूड की प्रोसेसिंग की जाती है उसमें जो है उसकी क्वालिटी और फ्रेशनेस को रिटेन करना क्योंकि इसकी एक बड़ी मेजर रीज़न ये है कि अगर ऑयल एंड फैट दो जो ऑयल और वाटर टू फेजेस को अगर हम वैसे ही किसी कंटेनर के अंदर रख देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो वाटर है वो सेपरेट होके माइक्रोविजन की ग्रोथ के लिए एक वे बन सके जबकि अगर यही दो फेजेस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगी तो वाटर सेपरेट नहीं होगा और माइक्रोविजन जो है वो उसकी ग्रोथ के लिए उनको वाटर नहीं मिल सकेगा. तो इस तरह से ये फ्रेशनेस को और क्वालिटी को मेनटेन रखते हैं. तो जो मैंने इस चीज़ में पॉइंट क्लियर किया है वो वही ऑलमोस्ट
जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही अगली पॉइंट में, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स विच कैन हैपन इफ ऑयल एंड फैट सेपरेटेड इन लो फैट स्प्रेड्स। तो लो फैट किसके अंदर होगी, उसके अंदर डेफिनेटली वाटर ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके अंदर फंगल ग्रोथ रहेगी या माइक्रोबियल ग्रोथ में वो हो जाएगी। तो ऊपर वाले में क्या पॉइंट में है कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स और क्वालिटी और फ्रेशनेस को ये मेंटेन रखते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इमल्सीफाइज और मॉलिक्यूल्स दैट हैव टू डिस्टिंक्ट एंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इसके दो सिरे होते हैं, वन एंड लाइक्स टू बी इन वाटर जो कि हाइड्रोफिलिक है तो वाटर के साथ फॉर्म होता है, द अदर एंड लाइक्स टू बी इन ऑयल विच इज लिपोफिलिक। तो ये ड्रॉपलेट्स को वाटर के और ऑयल के इनको आपस में काइंडली फ्लूइड्स को ऐड कर देगा, ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करेगा। This means that an emulsifier will coat the surface of oil droplets in an oil in water emulsion. Oil in water emulsion, जिसके अंदर जैसे milk है, water के अंदर oil, fat के जो droplets हैं वो mix होंगे, तो वो क्या करेगा emulsifier? वो oil की surface, जो surface of oil droplets, उसको coat कर देगा। तो क्या होगा, इफेक्टिवली इंसुलेट द ऑयल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द वाटर। तो ये उसको बाउंड फॉर्म में रखेगा, इट कीप्स देम इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द इमल्शन एंड स्टॉप्स देम फ्रॉम क्लंपिंग टुगेदर टू फॉर्म देयर ओन सेपरेट लेयर। जैसे मैंने मिल्क की एग्जाम्पल दी, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें क्लम्प्स बन जाते हैं, और जो है वाटर जो है या मिल्क और सॉलिड नॉट फैट, जो अदर सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा वो अलग हो जाएंगे, जैसे साल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या लैक्टोज हैं, तो वो एक अलग लेयर बना देगी जो वाटर सॉल्युबल है, और जबकि ये फैट अलग से हो जाएगी और इसके लम्प्स बन जाएंगे, बड़े बड़े गुठले बन जाते हैं। फिर इन ए वाटर इन ऑयल इमल्शन द इमल्सीफायर कोट्स द वाटर ड्रॉपलेट्स टू स्टॉप देम सेपरेटिंग फ्रॉम द ऑयल, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में वाटर, यहाँ पे कम क्वांटिटी में इसकी एग्जांपल है बटर। बटर के अंदर आप देखेंगे मोस्टली फैट कंटेंट होता है, तो जो इमल्सीफायर है वो स्मॉल जो क्वांटिटी में होगी जो चीज़ उसकी सरफेस को कोट कर देगा और उसको जो है सेपरेट होने से बचाएगा फ्रॉम ऑयल, जैसे आप बटर के अंदर देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं और इमल्सीफायर के तौर पर जो रोल प्ले कर रही होती हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इमल्सीफायर्स indispensable in the modern food industry, where foams, suspensions, particles of solid disperse evenly through a liquid and emulsions are often used. अक्सर जो हमारी फूड हैं उनके अंदर इमल्शन है, मायोनीज एक कॉमन एग्जाम्पल है, तो वो उन इमल्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनको इमल्सीफायर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप टेट्रा पैक्स के ऊपर देखें नेस्ले के, उसके ऊपर आप इन्ग्रीडियंट्स एक जगह कन्फर्म कीजिएगा। Milk is a natural emulsion. It is a mixture of air droplets and water. इसी तरह से proteins in the milk help to coat the fat droplets and allow them to stay dispersed in the water phase of the milk. तो जो प्रोटीन है, जैसे आपको पहले बताया कि ये इमल्सीफायर का रोल प्ले करती हैं और उनको टू फेजेस को बाउंड फॉर्म में रखती हैं। Properties of emulsifiers and emulsion formation. The first step in the formation of a stable emulsion is dispersion of one phase in another. ये basically एक phase जो है वो दूसरी phase में dispersed होती है. A critical factor in the emulsification process is the formation of a monomolecular layer at the lipid-water interface by the emulsifier. तो इससे एक uniform जो है वो एक लेयर डेवलप होती है लिपिड वाटर इंटरफेस की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया अकर्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स।
A substantial amount of energy is involved in the formation and dispersion of these droplets. अब इसको स्टेबल रखने के लिए जो है वो इमल्शन जो है उनको एक तो उनके बनाने में और दूसरा उनको स्टेबल रखने में एक मोस्टली जो फॉर्मेशन है या उसकी डिस्पर्शन है उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे आपको बताया कि जब इमल्सीफायर्स को उस टूट के अंदर आप यूज़ करेंगे तो उसको बाद में आपको मेरी होमोजनाइजेशन की या उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी। The addition of emulsifier reduces the surface tension and the amount of work done to form the emulsion with desired texture. The most common method of forming emulsion is addition of emulsifier to the system and then to apply mechanical energy via vitreous agitation. ये वही बात कि इसको मिक्सिंग करने की जरूरत पड़ती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो उसके बाद डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस, इमल्शन डिस्टेबलाइजेशन कैन कर बाय वन और मोर ऑफ फाइव पॉसिबल मैकेनिज्म्स। तो इसको आप जो है मैकेनिज्म को जस्ट इनके जो है वो इनका कॉन्सेप्ट लेने के फ्लॉकुलेशन है, फ्लॉकुलेशन के मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है, द एडहेरेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म एग्रीगेट्स और क्लस्टर्स एंड द बिल्डअप ऑफ दीज एग्रीगेट्स इज रेफर्ड टू एज फ्लॉकुलेशन। देन कोलिसेंस, the combining of aggregates or flocculants of the first phase to form a single larger drop is referred to as coalescence. So, isme coalescence mein larger single jo hai wo drop banta hai. The change in droplet concentration, ke jo droplets hain unke agar concentration change ho gaya, droplet concentration can increase preferentially either in the top or बॉटम पोर्शन ऑफ द इमल्शन डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द टू फेजेस। क्योंकि अब जो दो फेजेज हैं उनकी डेंसिटी भी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, ऑयल की और वाटर की डेंसिटी में फर्क होता है क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। सेडिमेंटेशन एंड क्रीमिंग आर टू एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना। तो उसके उसके रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑयल है वो सर्फेस के ऊपर आ जाएगा और जो सॉलिड नॉट फैट्स हैं या वाटर फेज है वो सेडिमेंटेशन में चली जाएगी। देन ऑस्टवर्ड ट्रैकिंग, इफ द टू फेजेस फॉर्मिंग द इमल्शन आर नॉट टोटली इनमिसिबल, डेफिनेटली क्योंकि इमल्शन बनाने ही अंदर है जब टू इनमिसिबल लिक्विड में यूज करेंगे, व्हेन दीज आर टोटली इनमिसिबल ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन द ड्रॉपलेट साइज। तो ड्रॉपलेट साइज का फर्क है विद इन द इमल्शन, लार्जर ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्टवर्ड ट्रैकिंग। तो शुरू में क्या होगा कि लार्जर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, फिर फेज इन्वर्जन, द विस्कोसिटी ऑफ एन इमल्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज मोर अमाउंट ऑफ ए गिवन फेज इज एडेड अंटिल अ क्रिटिकल वॉल्यूम इज अटेन्ड। फर्दर एडिशन ऑफ द सेम फेज द इमल्शन इन्वर्ट्स, दैट इज द discontinuous phase becomes the continuous phase. Then mechanism of emulsion stabilization, one is reduction of interfacial tension, repulsion between droplets, reduction of interfacial tension ke jaise humne piche baat ki ke water aur oil jab do phases honge unko mix kiya jayega तो उसके दरमियान जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेंगे इमल्सीफायर्स। तो फर्स्ट मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड ऑन दैट बेस, रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन इन इमल्शन फॉर्मेशन, द रिडक्शन ऑफ द इंटरफेशियल टेंशन थ्रू द एडिशन ऑफ इमल्सीफायर इज अ की फैक्टर व्हिच अलाउज कंसिडरेबली लेसर एनर्जी इनपुट देन वुड बी रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन इमल्सीफायर। अगर वो इमल्सीफायर वहाँ पर नहीं होगा तो मे भी हमें ज़्यादा एनर्जी इनपुट देनी पड़े। जैसे आप कह लें कि जब आप ऑयल और वाटर को एक बॉटल में डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, एक कंटिन्यूस आप शेकिंग के बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल एक बड़ी लेयर की फॉर्म में सरफेस के ऊपर तैर रहा था अब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो यही असूल जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप इमल्सी पानी डालेंगे तो आपको उसकी मकैनिकल एनर्जी उसको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
जब आप इमल्सीफाई डालते हैं तो कंसिडरेबल लेस एनर्जी इनपुट रिक्वायर होगी. वंस द इंटरफेशियल फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ इमल्सीफाई इज फॉर्म, इट एक्ट्स एज इन इफेक्टिव बैरियर टू ड्रॉपलेट कॉलिसेंस. फिर रिपल्शन बिटवीन ड्रॉपलेट्स है, उसको जो ड्रॉपलेट्स है 2 kg के उनके दरमियान जो रिपल्शन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए. ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट्स, आयनिक इमल्सीफायर्स प्रोवाइड एन एडिशनल मैकेनिज्म फॉर इमल्शन स्टेबलाइजेशन रिलेटिव टू नॉन आयनिक इमल्सीफायर्स थ्रू आयन आयन एंड आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन. तो जो चार्जेस होंगे डेफिनेटली आपको पता है कि एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का वहाँ पे रोल प्ले करेंगे और उससे भी ये इमल्शन जो है वो स्टेबलाइज होंगे. In addition, the introduction of charged groups on the surface of the emulsion droplets increases the repulsive forces. Ionic emulsifier will form an electrically charged double layer in the aqueous solution surrounding each droplet. The formation of mesophase of liquid crystalline phase. The mechanism will vary depending upon different types of molecules or different types of liquids. Because if you see that ऑयल है तो सारी ऑयल की कंपोजिशन सेम नहीं होती, फैटी एसिड कंपोजिशन डिफरेंट होती है, जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफर करेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, कोई ऑयल थिक है कोई थिन है, तो ये इस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे. फॉर्मेशन ऑफ मेसोफेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन फेजेस, द फॉर्मेशन ऑफ मेसोफेस प्रोवाइड्स द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड सेट ऑफ कंडीशंस. Macro emulsions, although thermodynamically unstable, can attain long-term stability due to the formation of a liquid crystalline state by the emulsifier. This is the addition of macromolecules or particulate material. Certain macromolecules can substantially increase emulsion viscosity and stability. Emulsion stability can be increased by the addition of macromolecules like gums and proteins. जैसे आपको पीछे आपने देखा कि जो proteins हैं जैसे egg yolk में है या milk protein में है वो emulsifier के तौर पर act करते हैं. फिर कुछ gums हैं वो भी basically emulsifiers या stabilizers का role play करते हैं. emulsifier basically होते हैं कि two इनमिसिबल लिक्विड्स को आपस में बाइंड रखते हैं और जो स्टेबलाइजर होते हैं वो स्टेबलाइज रखते हैं इमल्शन को, जो या जो फेज होती है उसको स्टेबलाइज रखते हैं. इकोलाइड्स लाइक जेंथन गम, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज जिसको सी एम सी भी बोलते हैं, एंड गुआरगम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इमल्शन स्टेबिलिटी. इसको जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया गया है. फिर फॉर्मिंग है. Foaming ability is one of the major characteristics of emulsifiers. When a solution containing an emulsifier is spilled, the emulsifier is absorbed on the surface of the produced foam. Foam basically क्या है कि जैसे आप foam के अंदर एक porous substance को देखते हैं, उसके अंदर pores बने होते हैं, तो इसी तरह से जो foam formation है उसके अंदर भी similar होगा, similar mechanism. When a solution containing an emulsifier is spilled, the emulsifier is absorbed on the surface of the produced foam. जो foam बनेगा उसके जो molecules हैं कि surface के ऊपर ये attach होंगे, जिस तरह से हमने देखा कि oil और water की interface के ऊपर ये attach होकर surface tension को reduce करते हैं और emulsion उसको बनाते हैं, उसको stabilize करते हैं. इसी तरह से ये foam के molecules की surface के ऊपर attach होंगे to make a monomolecular layer. उसके अंदर आपको ऐसे ही है कि जैसे एक यूनिफॉर्म जो है वो मॉलिक्यूलर एक लेयर बन जाएगी एंड द फॉर्म आउटसाइड द सॉल्यूशन मेक्स अ यूनिफॉर्म आउटसाइड द सॉल्यूशन मेक्स अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द इमल्सीफायर. देन फॉर्मिंग एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द इफेक्ट्स ऑफ एन इमल्सीफायर. और उसकी जो फॉर्मिंग एबिलिटी और उसको स्टेबल रखना. The foaming effects are utilized for the production of such items as glue. क्योंकि
जो क्रीम है उसके अंदर फोम फॉर्मेशन की, अगर आप उसको कंटिन्यूस एक वो कह लें कि जिस तरह केक्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो आप उसको एक चम्मच के साथ बीट करते हैं या बीटर के साथ जब आप बीट करते हैं तो उससे फोम डिवेलप होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं, एग प्रोटीन्स हैं या जो है वो फोम जो उसके अंदर कह लें कि और डिफरेंट प्रोटीन्स या फ्लॉक की हो सकती हैं, वो आपस में मिल के एक फोम फॉर्मेशन करती हैं, उसके अंदर बुलबुले से बन रहे होते हैं। दैट दैट बबल्स बेसिकली रिप्रेजेंट द फोम्स। The addition of an emulsifier enhances foaming ability and stabilization action. Thus, smooth texture can be obtained with expanded volume by using emulsifier. Typical examples are cakes, ice cream, whipped toppings. Whipped toppings क्या है? कि आप देखिए कि जो whipping होता है, basically whipping को पहले समझने के ये ऐसा process होता है जिसके अंदर हम हवा को या air को incorporate करते हैं। जैसे आप केक्स के अंदर देख लें तो आप उसको बीट कर रहे होते हैं, उसके अंदर एयर को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो आपके पास कमर्शियल आइसक्रीम आती है इसके अंदर आपको विप्ड फॉर्म में मिलती है, इसके अंदर हवा होती है, तो आइसक्रीम के अंदर अच्छी खासी जो है वो हवा भरी होती है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, दैट इज़ टू विपिंग प्रोसेस। इसी तरह विप्ड टॉपिंग है, जैसे आप केक की टॉपिंग कह लें जिसमें आप जो है वो बारीक चीनी को फैट के साथ आप मिला के आप देखेंगे उसका कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वो सारी जब आप उसको इंजेस्ट करते हैं, जब आपको वो मतलब कह लें कि जैसे ही आप मुंह में उसको रखते हैं तो वो बिल्कुल जैसे नहीं वो कॉटन कैंडी बिल्कुल शॉर्ट सी बन जाती है। इसी तरह से कि विप की जो टॉपिंग होती है वो बिल्कुल जो है वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। फिर से डीफॉर्मिंग इमल्सीफायर आल्सो फॉर्म्स स्किन ब्रशेस एंड इन सम इंस्टेंसेस use this property of deforming. During food production, foaming may occur in the presence of protein, starch, etc. जैसे हम केक के अंदर यूज करते हैं, एंड एन इमल्सीफायर विद फोमिंग एक्सटिंग्विशिंग एक्शन इज यूज। फोम एक्सटिंग्विश हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: वाटर इनसॉल्युबल, floatable on the surface because of its small specific gravity, small surface tension and easy spreading on liquid surface. These properties easily lower the surface tension, thus the foam becomes thinner. These agents spread easily on the liquid surface. All foam can be diminished. These are used in the production of tofu, jam and sugar as well as in the fermentation industry. फिर wetting है, wetting effects of emulsifiers moisten the solid surface. तो ये वेट कर सकती है सर चीज़ को। सॉलिड मटेरियल इज मिक्स विद एन इमल्सीफायर और इट्स सरफेस बिकम्स हाइड्रोफिलिक। फॉर एग्जाम्पल च्यूइंग गम इज एप्ट टू स्टिक टू टीथ। च्यूइंग गम जो है वो दांतों को चिपक जाए। एडहेशन टू नेचुरल टीथ डजंट अकर इजीली बिकॉज द एनामल इज हाइड्रोफिलिक एंड ऑलवेज वेट, वेयर एज द एडहेशन टू आर्टिफिशियल टीथ अकर इजीली। We can prevent adhesion by wetting the surface of chewing gum by adding emulsifier. तो artificial teeth के साथ उसको चिमटने से बचाने के लिए हम emulsifier को use कर सकते हैं। Action on starch, proteins and fats. Fresh bread is soft and elastic, but it becomes hardened over time. इस वजह से time गुजरता है कि सख्त हो जाती है, ये बात तो ये लेदरी बन जाती है। Starch particles comprise of spherical and लेंटिकुलर शेप amylopectin amylose। जो स्टार्च है अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्पेरिकल इसके मॉलिक्यूल होते हैं, लेंटिकुलर फॉर्म में होते हैं और amylopectin और amylose से मिलकर बने होते हैं। स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड देन चेंज इनटू अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो स्टार्च जैसे आप देखते हैं कि जो कपड़ों को लगाते हैं वो भी स्टार्च जो है उसको जब हीट किया जाता है तो उससे उसकी जेलेटिनाइजेशन या वो उसके अंदर वो जिसके मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फूलना शुरू हो जाते हैं और फिर क्या होता है एंड देन चेंज इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमाइलोस गेट्स हार्ड इजीली विद कूलिंग बट अमाइलोपेक्टिन बिकम्स हार्ड ग्रेजुअली विद टाइम। तो दोनों जो स्टार्च की मॉलिक्यूल उनकी एंड प्रॉपर्टी है ड्यू टू ब्रांच और अनब्रांच स्ट्रक्चर
The immediate hardening of bread by cooling is mainly due to the change in amylose. तो माइलोज के अंदर जो चेंज आती है, क्योंकि इससे जो है वो कूलिंग के साथ जल्दी ये हार्ड हो जाती है, तो इमीडिएट जो इफेक्ट है हार्डनिंग का ब्रेड के अंदर वो ड्यू टू माइलोज है। फिर माइलोज चेंजेस टू हेलिक स्ट्रक्चर, अ काइंड ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर बाई हीटिंग। अगर आप इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली जब ब्रेड के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कपड़ा बुना हुआ होता है, तो उसकी स्ट्रिंग्स बनी होती हैं। स्ट्रिंग्स जो हैं वो हेलिकल फॉर्म होंगे। अ काइंड ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर बाय रीडिंग अ मोनोग्लिसराइड। इफ मोनोग्लिसराइड आर इंट्रोड्यूस्ड दे कैन बी अटैच्ड टू द हेलिक स्ट्रक्चर सिंस द एंटरिंग डजंट चेंज इवन आफ्टर कूलिंग, सॉफ्टनेस इज मेंटेन। दिस फंक्शन इज आल्सो यूटिलाइज फॉर इंस्टेंट मैश पोटैटोस नूडल एंड राइस। तो इनके अंदर भी क्योंकि स्टार्च होती है, तो जो अब इस सारे जो हम दो चार पॉइंट्स पढ़े हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोनोग्लिसराइड अगर हम उसके अंदर स्टार्च के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ जाके, उसकी हेलिक स्ट्रक्चर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सिंस एंकरिंग डजंट चेंज इवन आफ्टर कूलिंग सॉफ्टनेस इज मेंटेन। तो इवेंसिफायर के डालने की वजह से वो जो है, वो जो प्रोडक्ट है वो हार्ड नहीं होगी बल्कि सॉफ्ट हो जाएगी। दिस फंक्शन इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे नूडल्स एंड राइस एंड पोटैटोज। व्हीट फ्लोर कंटेन्स प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटन व्हिच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन हाइड्रेशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। आप देखिए कि जो फ्लोर है बेसिकली इसके अंदर ग्लाइडिन और ग्लूटिन दो प्रोटीन होते हैं। जैसे ही वाटर डाल के हम उसको मिक्स करते हैं, तो एक रबड़ी सा टेक्सचर उसका जो बनता है वो ग्लूटन डिवेलप हो जाती है। आप जब रोटी पकाने के लिए जो हम कहते हैं कि आटा ज़्यादा गूंदा या कम गूंदा है, तो वो अल्टीमेटली रोटी के टेक्सचर को इफेक्ट करता है, उससे रोटी कैसी बनती है। तो उसकी वजह पीछे यही होती है कि उसमें ग्लूटन कितनी डिवेलप हुई है। द व्हीट फ्लोर एंड वाटर बेस्ड ग्रोथ इन ट्रैप्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बेकिंग प्रोसेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज फ्लो वॉल्यूम। तो अब क्या होता है कि जो डो अब बन गई है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर डिवेलप हो गया है प्रोटीन्स का, ग्लूटेन ये एक नेटवर्क बनाती है डो के अंदर, तो उसके अंदर उस नेटवर्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरैक्ट किया जाता है जो कि फर्मेंटेशन के दौरान में बनती है। और जैसे ही जो है वो बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये लोग जो है वो एक राइस करता है पहले, क्योंकि उसके अंदर मजीद इसको हीट मिलने से गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो इंक्रीज होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर बनी होती है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, साथ साथ उसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में फिक्स होके अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर लेता है। व्हेन द ग्लूटेन कंटेंट इज स्मॉल द डो रेजेस लिटिल, क्योंकि जो हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर हम ग्लूटेन की अमाउंट देखते हैं, तो उससे अगर ग्लूटेन प्रोटीन कम होगी तो उसका जो है डो का जो वॉल्यूम है वो कम राइज करेगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड इमल्सिफायर मॉडिफाइज ग्लूटेन मॉलिक्यूल्स एंड इनहांसेस इट्स फिल्म फॉर्मिंग पावर रिजल्टिंग इन गुड स्प्रेडेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग एफिशिएंसी, दैट्स वेट वेल्डिंग कैन इजीली बी अचीव्ड। तो बेसिकली जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो कि आप ग्लूटेन के साथ कितना उसको मिक्स करें, उसके साथ आप कहने की जो पेड़ा बनाने की है, जो उसकी अंदर एबिलिटी है वर्किंग, इसके साथ आपने करनी है उसको अफेक्ट करती है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल फॉर्म क्रिस्टल इमल्सिफाई इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल क्रिस्टल, दिस फंक्शन इज यूटिलाइज्ड